का जो आज का ओपन का लेवल है वो ओपन लेवल हुआ था 414 पे, मार्केट बंद कर रहा है 475 पे, तो ओपन से ऊपर बंद कर रहा है, गैप डाउन हुआ था उसको ऊपर बंद कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो ओपन प्राइस था वो था 45,492, मैं 500 कर देता हूँ, तो 45,500 और बंद कर रहा है वो 45,745 पे, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो दो पॉइंट अपने ओपनिंग से हो रहा है। दूसरा, आप एडवांस डिक्लाइन को देख रहे होंगे, आज सुबह से ही कांटे के टक्कर चल रही है, लेकिन एडवांसेस ने ये प्रूव कर दिया कि रिकवरी आ सकती है, ठीक। मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ रिकवरी को लेकर, बट हाँ रिकवरी पे मेरा एक दाव ज़रूर लगाया जा सकता है, मैं इस समय तो खड़ा होकर बता सकता हूँ। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर आएंगे, दोनों वीकली एक्सपायरी निपट चुकी हैं, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी की, इसलिए ऑप्शन ट्रेड के पैसे को अब बहुत जल्दी अब कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से हो गया बेहतर कि अब आपको रिलायंस देखना पड़ेगा, अब आप ऑप्शंस के गेम से बाज़ार को तोड़ या बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये एक मार्केट के हाथ से ना तीन में से चार में से तीन ट्रिगर्स निकल चुके हैं, अब रिलायंस है और रिकवरी है, तो ये देखते हैं किस तर्ज पर आती है। बेहतर आई तो रिकवरी भी बेहतर होगी, सो सो आया तो रिकवरी भी नहीं होगी, कुछ कुछ अब रिलायंस पे दारोमदार है कि वो रिकवरी हमको कहाँ तक लेके दिलवा सकता है।